दोस्तों बात करेंगे आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में, देखिएगा जिसकी निफ्टी से छुट्टी होने वाली है। और आपको पता है कि जब भी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से अगर वो रिप्लेस किया जाता है, निफ्टी से निकाला जाता है, तो आपको पता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। और जब भी कोई स्टॉक उसकी जगह पे निफ्टी में ऐड किया जाता है तो उसमें आपको तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर रहने की दो वजहें, केवल यही वजह नहीं है कि निफ्टी से निकाला जा रहा है, बल्कि और भी एक वजह है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर बात करेंगे मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट कैपिटल बहुत शानदार है, कंपनी ने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटल 76,000 सीआर के आसपास की है, जो कि बहुत ही देखिएगा अच्छी मानी जाएगी इस पर्टिकुलर फंडामेंटल के साथ। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 31,000 के आसपास का, कितना 31,000 के आसपास का हाई बनाया था, और उसके बाद स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि 38 का पी मल्टीपल इन पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा महंगा है, इसीलिए मैं कहूंगा कि स्टॉक से आपको दूर रहना है। दूसरी बात, बुक वैल्यू देखिएगा 5,000 के आसपास है, स्टॉक आपको 21,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो अपनी बुक वैल्यू के 5 times पे अभी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और जो फंडामेंटल डाउन हुए हैं उसके हिसाब से देखिएगा स्टॉक प्राइसिंग भी हो रहा है, और जो रिटर्न बना के दिए हैं आपको 14% और 16%, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 14% के आसपास हैं, तो ये तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इनके फंडामेंटल में थोड़ी सी दिक्कत आई है, इसीलिए ये दूसरी वजह होगी, इसलिए आपको स्टॉक से दूर रहना है। क्योंकि आप देखेंगे पहले इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा था, फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें अब धीरे धीरे करके बहुत कमी आने लगी है। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, और आपको पता है सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ कंसर्न के कारण अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और दबाव देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा तो कितना बड़ा देखिएगा डाउनफॉल आया है इनके नेट प्रॉफिट में, कितना बड़ा डाउनफॉल आया है इनके पैट में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल आप रेवेन्यू में भी एक्सपेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए भी आपको जो फंडामेंटल इनके डाउन हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसलिए भी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर रहना है। फिर आगे बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगातार देखिएगा इनका डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस साल जो इनका ईयर रहा है कंपैरेटिवली जो प्रीमियम दिया गया था स्टॉक को, जो पर्टिकुलर प्रीमियम वैल्यू देखने को मिली थी, उसमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल इसीलिए आया है क्योंकि बैक टू बैक क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब देखिएगा स्टॉक बहुत ही प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा होता है और उसमें दो बड़ी खबर आ जाती है, एक तो स्टॉक के फंडामेंटल डाउन हो रहे हैं, इनके फाइनेंशियल डाउन हो रहे हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि वो निफ्टी 50 से भी निकाला जा रहा है। तो बहुत ही देखिएगा ऐसे स्टॉक में कॉशियस रहना चाहिए और थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए जब तक स्टॉक स्टेबल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं एलोकेशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, प्रमोटर 62% और FIIs 11% के आसपास, DIIs 11% और पब्लिक 14% के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे एलोकेशन में कोई भी डाउट नहीं है, फंडामेंटल वीक हो रहे हैं, फाइनेंशियल थोड़े से वीक हो रहे हैं, इसलिए स्टॉक से दूर रहना है। और अब मैं बात करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे अपडेट आ चुका है और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब ये स्टॉक निफ्टी 50 से हटाया जा सकता है और कब दूसरा स्टॉक इसमें ऐड होगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस को देखिएगा रिप्लेस कर सकता है, देखिएगा अडानी इंटरप्राइजेस इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिप्लेस कर सकता है, स्टॉक का नाम है श्री सीमेंट। तो आपको भी पता है इस समय अडानी के स्टॉक्स बिल्कुल एकदम शानदार वैल्यूएशन दे रहे हैं, अगर आप चेकआउट करेंगे तो एकदम शानदार वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहे हैं अडानी के स्टॉक्स में। तो अडानी इंटरप्राइजेस रिप्लेस कर सकता है श्री सीमेंट को, ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है।
और आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो किसी भी स्टॉक का निफ्टी से बाहर होना अच्छा नहीं माना जाता। दिस वुड बी द सेकेंड अडानी स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी 50। आपको पता है पहले से ही अडानी पोर्ट देखिएगा है निफ्टी 50 में, और आप उसके बाद दे सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की एंट्री देखिएगा हो सकती है, और ये इफेक्ट देखिएगा कब आएगा 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर से देखिएगा शी सीमेंट आपको निफ्टी 50 में नहीं देखने मिलेगा, इसकी जगह पे अडानी इंटरप्राइजेस देखने मिलेगा। और आपको पता है कि ऑलरेडी इनके फाइनेंशियल इतने अच्छे आ नहीं रहे, और फाइनेंशियल देखिएगा खराब हो रहे हैं, और साथ में निफ्टी में से भी देखिएगा इनका टाटा बाय बाय हो रहा है। तो इस स्टॉक से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार इसमें गिरावट देखने मिली है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की गिरावट देखने मिली है, और अगर आप देखेंगे ऐसे 5 ईयर का चार्ट तो लगातार देखिएगा 31,000 का हाई बनाने के बाद लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। तो अब इसमें और भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको दूरी बना के रखनी है। वहीं देखिएगा अडानी इंटरप्राइजेस में लगातार देखिएगा रिटर्न पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, और अपने लाइफ टाइम हाई पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अडानी के स्टॉक्स में तो आपको पता ही है कि उनके कोई पर्टिकुलर क्लियर वैल्यूएशन तो वहाँ पे देखते हुए नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शी सीमेंट से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पे कंसर्न अभी बना हुआ है और स्टॉक के रिजल्ट अभी अच्छे आ नहीं रहे। निफ्टी 50 से भी छुट्टी होने वाली है, तो इस स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।